ही सभापति तक, उसके बाद ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा, औपचारिक घोषणा होगी उपसभापति के नाम की। हालांकि अब हरिवंश सिंह की जीत करीब करीब तय मानी जा रही है। तीसरे दौर की वोटिंग अब शुरू हो चुकी है, इसके बाद पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उपसभापति का ये चुनाव, जिसमें हमने देखा था कि कैसे एनडीए के भीतर भी हरिवंश सिंह के नाम को लेकर फूट नजर आ रही थी, अलग अलग जो सहयोगी दल थे, चाहे वो अकाली दल हो, शिवसेना हो, वो हरिवंश सिंह के नाम पर सहमत नहीं थे, उनकी तरफ से विरोध जताया जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद अब अगर हरिवंश सिंह जीतते हैं तो एक तरीके से एनडीए की यानी कि सभी पार्टियों की I therefore declare that Sri Harivamsh has been chosen as the Deputy Chairman of the Rajya Sabha. The entire House. Sri Harivamsh, please, he is now Deputy Chairman of the entire House. That part is over earlier. Sri Harivamsh may now be conducted to his seat by one from this side and another from the opposition, both LOP and Leader of the House. पार्लियामेंट अफेयर्स अच्छा अभी ले जाना नहीं यू टू आपके पास ही सिटिंग ऑन दैट साइड नाउ ब्रिंग हिम टू योर साइड प्लीज बोल दीजिए प्लीज राइट ओके पार्लियामेंट ऑफ वेस्टमिंस्टर प्लीज आई विल बी calling the leaders of the different parties and groups to offer felicitations. We will start with the leader of the opposition. जाइए सब लोग।